बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती मेरे ऊपर बड़ा आशीर्वाद है आज आप सबका इतना प्यार बरसाने के लिए कि कल तीज का त्योहार था, आज आपके घर में सब में पूजा थी, कल फास्ट रहा होगा तीज का, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में आपने आके यहाँ प्यार बरसाया है, मुझे लगता है मेरा काम तो हो गया। ये अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी भेजी है हिमाचल की बहनों के लिए, आज तीज के दिन, तीज के त्योहार के दिन अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए। हिमाचल के मेरे भाइयों बहनों, आने वाले चुनाव में झाड़ू पे बटन दबा के अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए, जैसे पंजाब और दिल्ली में बनी है। हिमाचल की 18 साल से अधिक आयु की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए स्त्री सम्मान राशि दी जाएगी, हर महीने। नहीं बोल रहा ना, क्योंकि महिला को पता है चूल्हा कैसे चलेगा, महंगाई की सबसे बुरी मार कौन झेलती है, महिला। आपको पता है ना रसोई कैसे चलेगी, आपको पता है ना सिलेंडर कितने का है, आपको पता है ना नमक मिर्च की कीमत क्या है, क्योंकि आपने चूल्हा चलाना है। लेकिन उधर से तो ऑर्डर ही आने हैं सरकारों की तरफ से, आज के बाद सिलेंडर इतना महंगा, आज के बाद दही पर लगेगा जीएसटी, आज के बाद घी पर, लस्सी पर, अब सिर्फ सांस लेना ही बच गया है कि सांस पर जीएसटी ना लगा दें, कि अगर सांस लोगे तो इतने। हिमाचल में सांस लोगे क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है, इसलिए हिमाचल को कम सांस दिए जाते हैं। कोटा ना बना दे कहीं सांसों का, ये बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई। और लोकतंत्र का गला ऐसा दबा रखा है, बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता कोई। ये तो आम आदमी पार्टी है, जो इनको थोड़ा बोलती है, वरना ईडी आती है, सीबीआई आती है। मनीष सिसोदिया जी के घर पे ईडी आ गई, पूरा दिन 14 घंटे घर चप्पा चप्पा छान दिया, कुछ नहीं मिला। और उसके बाद कल लॉकर देखने आ गए, कुछ नहीं मिला। भाई अगर देश के लिए काम करना है, अगर आम आदमी पार्टी में इतने बड़े पद पर काम करना है, अगर गरीब बच्चों की जिंदगी बदलने का तहैया कर रखा है, अगर महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर देना है, अगर आंगनवाड़ी आशा वर्करों को उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, तो लॉकरों में कुछ नहीं मिलेगा जी, लॉकरों में नहीं जाता, फिर वो आपके पास ही आता है, ये फर्क है बस। गुरु नानक साहब ने कहा था, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, जो राजाओं को जन्म देती है उसको मंदी भाषा नहीं बोल सकते आप। एती मार पई कुरला ने तय की दर्द ना आया, बाबर को बोला था उस वक्त गुरु नानक साहब ने। तो हम उनके वंशज हैं, हमारे गुरुओं ने महिलाओं के पक्ष में, इंसाफ के पक्ष में, जुर्म के खिलाफ आवाजें उठाई हैं। ये कांगड़ा कभी पंजाब का हिस्सा होता था, हिमाचल हमारा छोटा भाई है, हमने लड़ना नहीं है, हमने सबने तरक्की करनी है। लेकिन जो ये बैठे हैं
वो कुंडली मार के खजाने पर उनके अपने बेटे बेटियों के लिए खजाना कभी भी खाली नहीं होता। कुछ जनता को देना हो खजाना खाली है, जो मर्जी आता है खजाना खाली है, खजाना खाली है। मैंने कहा जो खाली है उसको खजाना क्यों कहते हो, उसको पीपा कहो, अब है ही खाली। वो खजाना तो वो होता ना कुछ हो उसमें, खाली को खजाना क्यों कहते हो। ये खजाने भर सकते हैं जी नीयत साफ हो, ये खजाने भर सकते हैं ईमानदारी की सरकार हो। पंजाब में अभी 6 महीने 16 तारीख को होंगे जी, 5.5 महीने हुए हैं सरकार बने हुए। 16 मार्च को मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, सिर्फ 5.5 महीने में हमने 100 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, यहां 100 से ज्यादा ब्लड का टेस्ट, दवाइयां बिल्कुल फ्री, MBBS डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक नर्स, बिल्कुल फ्री। कोई भी आए, कोई BPL कार्ड का चक्कर नहीं, कोई हरा कार्ड लाल कार्ड का चक्कर नहीं, कोई भी आए, आपके आसपास कोई मोहल्ला क्लिनिक है आप जाइए, टोकन लीजिए, चेकअप करवाइए, अगर तो मोहल्ला क्लिनिक की दवाई से आपका इलाज होता है तो आप वहीं से ले जाइए, अगर डॉक्टरों ने कहा कि टेस्ट करने हैं, आपका ब्लड ले लिया जाएगा, सैंपल ले लिया जाएगा, अगले दिन रिपोर्ट आएगी, उसके हिसाब से आपको दवाई दे दी जाएगी, वो भी फ्री, और सैंपल भी फ्री, और जो टेस्ट किया वो भी फ्री। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।